नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में जो JSSC की वैकेंसी स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल की आई हुई है, तो उसमें से जो आपका सामान्य विज्ञान का जो पोर्शन है, तो उसमें से मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी अभी तक आए हुए हैं, पिछले जितने भी JSSC के एग्ज़ाम हुए हैं या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीटेड होते रहते हैं, मतलब उसका आने का जो चांस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी का मैं सीरीज यहाँ पे लाऊंगा, जो आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो सब रिपीट करते रहते हैं, तो वही सारे चीज़ मैं जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में, तो वो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के सीरीज़ में पार्ट बाई पार्ट प्रोवाइड करता चलूँगा, जिससे कि आपका बहुत सारा तैयारी क्वेश्चन के थ्रू ही हो जाएगा। और क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग उसके अलावा और भी जो डिटेल होगा उससे रिलेटेड, उसका भी जानकारी मैं आपको वीडियो से प्रोवाइड करता रहूँगा। तो जैसा कि पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि जो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपका एग्ज़ाम में आएगा, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे आपका सामान्य विज्ञान का है तो इससे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सारा टॉपिक तो जैसे इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जीव विज्ञान है, तो ये तीनों पोर्शन पढ़ना तो एक साथ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसमें से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में भी आप यदि आप इसको तैयारी करते हैं तब भी आपका हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके साथ साथ और भी जो डिटेल होगा वो भी डिस्कस करते चलेंगे, तो आपके लिए आसान होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीरीज़ को कंटिन्यू कीजिएगा और इसका बेनिफिट उठाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हमारा शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग भी हमारे चैनल को नहीं जानते हैं कि यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है, तो वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें पूछा जा रहा है कि आपको एक ऐसे पदार्थ के बारे में बताना है कि जो बेरंग होता है, बेस्वाद होता है और गंधहीन होता है, और जो सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक होता है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीजन है, वाटर है, एयर है यानी कि वायु है, और कार्बन है। तो इसमें जो आंसर आपका होगा वो वाटर होगा। तो जैसा कि आपने वाटर को देखा होगा तो वो तो जीवन, सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक तो है ही, और उसका ना तो कोई टेस्ट होता है और ना तो उसका कोई रंग होता है और ना तो उससे कोई गंध आता है, तो ये ऐसा कंपाउंड होता है, तो आपको याद रखना है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 2, वाटर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी तरीका से आप लोग भी अटेम्प्ट करते चलिएगा, ताकि आप लोग भी देख सकते हैं कि कितना, मतलब प्रिपरेशन का लेवल आपका कितना है। फिर यहाँ पर देखिए, दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि VHF का आपको पूर्ण रूप बताना है, यानी कि इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए, ये रेडियो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है ये, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो दूसरा आंसर होगा, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी यानी कि बहुत ऊंची आवृत्ति। तो देखिए, एफ का मतलब होता है यहाँ पर आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी इंग्लिश में बोलते हैं, वी का मतलब हो गया वेरी, और एच का मतलब हो गया हाई हो गया। तो यहाँ देखिए, आपका जितना भी बैंड होता है इससे रिलेटेड, जितना भी इम्पोर्टेंट और भी टॉपिक मतलब जो हो सकते हैं इससे रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार पूछा है VHF, तो अगला बार हो सकता है कि उससे अलावा और भी जो फुल फॉर्म है इसी से रिलेटेड ये आपसे पूछ दे। तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो बैंड होता है वो होता है VLF यानी कि वेरी लो फ्रिक्वेंसी, उसके बाद आपका होता है लो फ्रिक्वेंसी यानी कि LF, तो ये सब भी पूछ सकता है क्योंकि ये सब इससे रिलेटेड है। तो आप लोग इसके अलावा भी जो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ उसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा, तो हो सकता है कि ये अगली बार ये इसके अलावा ये पूछ दे इनमें से कोई भी। दूसरा देखिए आपका है, इसमें MF है तो यानी कि ये मीडियम फ्रिक्वेंसी होता है इसका फुल फॉर्म, HF है तो इसका हाई फ्रिक्वेंसी होता है। तो बस आपको यहाँ पे जो शुरुआत का जो वर्ड है आपको उस पर ध्यान देना है, बाकी जो आपका H और F है तो वो हाई और फ्रिक्वेंसी होगा उसका, तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है इसको। फिर देखिए, VHF है जो आपसे यहाँ पूछा गया था क्वेश्चन में, फिर UHF है तो U का मतलब होता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, फिर देखिए SHF है तो इसका होता है सुपर हाई फ्रिक्वेंसी, और लास्ट वाला जो आपका EHF है इसका होता है एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी। तो ये सब भी आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये सब रेडियो फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड है, तो ये सबका एक सीरीज होता है, तो हो सकता है कि अगली बार ये आपका एग्जाम में पूछ दे। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है, तो इसको देखिए आप लोग भी अटेम्प्ट कीजिएगा कि मानव शरीर में जो सबसे बड़ा ग्रंथि होता है वो कौन सा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा लीवर यानी कि जिगर।
तो जिगर को ही बुलाता है, मतलब कि मानव शरीर का ये आपका क्या सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन भी और तरीके से भी पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे आपका ग्रंथि होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग ग्लैंड बोलते हैं, तो ग्लैंड ये क्या होता है ग्रंथि, ये दो तरीका का होता है, एक आपका होता है बाह्य स्रावी ग्रंथि और एक होता है आपका अंत स्रावी ग्रंथि। तो यानी कि सबका फंक्शन अलग अलग होता है, तो इसके बेसिस पे यदि क्लासिफाई किया गया है कि जैसे आपका बाह्य स्थायी ग्रंथि हो गया और एक होता है अंत स्थायी ग्रंथि, तो इसका एग्जाम्पल भी पूछा जाता है आपसे। ये तो आपका हो गया कि जैसे ओवरऑल, यानी कि अगर पूरा मिला जुला के ये पूछा गया है कि सबसे बड़ी जो ग्रंथि कौन सी होती है, तो वो हो जाएगा लीवर। बट यदि आपसे क्वेश्चन इस तरीका से पूछा जाए कि सबसे बड़ा बाह्य स्थायी ग्रंथि कौन होता है और सबसे बड़ा अंतःस्थायी ग्रंथि कौन होता है, तो वैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे आपका ये बाह्य स्थायी ग्रंथि में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा होता है, और इसके अलावा जो आपका अंतःस्थायी जो ग्रंथि होता है, इसमें देखिए जैसे आपका पीयूष ग्रंथि हो गया, उसके अलावा आपका जो एड्रिनल ग्रंथि हो गया। तो ये एग्जाम्पल आप लोग बस याद रखिएगा साथ साथ में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि लेंस का जो ऑप्टिकल शक्ति होता है उसका माप का इकाई को क्या बोला जाता है। तो देखिए जो ऑप्टिकल ऑप्टिकल शक्ति का जो माप होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं डायोप्टर में, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा आपका 3 होगा, यानी कि तीसरा डायोप्टर होगा। तो आप लोग ये नोट कीजिएगा कि जैसे जो आपका डायोप्टर होता है, तो डायोप्टर का फॉर्मूला एक होता है, इसका फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ एफ आपका हो गया फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ होता है, जो आपका लेंस जो होता है उसका एक फोकस फोकल लेंथ होता है, तो वो इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है कि जैसे आपका डायोप्टर इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ का होता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद कीजिएगा इसका। इस क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ही परमाणु नाभिक की खोज की थी। इसके अलावा और ऑप्शन आप यदि आप देखिएगा यहाँ पे, तो आपका रॉबर्ट ब्राउन दिया हुआ है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था न्यूक्लियस का, सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो उसका खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये सारा ऑप्शन भी आप लोग जो आंसर जिसका जरूरी होगा वो मैं आपको उसके बारे में बताता चलूंगा, उसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इसके अलावा भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, आप लोग भी देखते चलिए और अटेम्प्ट करते चलिएगा। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि जैसे जंग को रोकने के लिए स्टील या लोहे के लिए एक सुरक्षात्मक कोटिंग लगाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है गैल्विनीकरण। तो गैल्विनीकरण में देखिए इसमें क्या किया जाता है कि जैसे आपका मान लीजिए कि ये आपका एक स्टील है आपका नीचे, तो इसके ऊपर इसको जंग से बचाने के लिए इसमें सुरक्षात्मक कोटिंग किया जाता है। तो कोटिंग आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें प्योर जिंक हो गया, उसके साथ में आयरन भी लगाया जाता है, और उसके साथ 10%, मतलब ये आयरन या फिर जिंक का इस पे ऊपर से कोटिंग किया जाता है, ताकि इसको रस्टिंग से यानी कि इसको जंग लगने से रोका जाए। तो ये फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं, यानी कि इस प्रोसेस को बोला जाता है गैल्विनीकरण। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका ए होगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन होगा। और ये सब देखिए जितने भी क्वेश्चन है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, जो रिपीट होते होते ही रहते हैं हमेशा। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, और नोट करते चलिएगा सारे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि एक रासायनिक प्रक्रिया है कि जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए इसका जो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वो ज्वलन है। तो ज्वलन में एक रासायनिक प्रक्रिया होता है कि जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसमें से क्या होता है आपका, कि जैसे किसी का तेजी से प्रतिक्रिया करेगा और उससे हीट यानी कि एनर्जी उत्पन्न होगा। तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंबशन। तो यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये एक पहला वाला हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, आप लोग भी बस देखते चलिए और अटेम्प्ट करते चलिएगा। इसमें देखिए आपका पूछा जा रहा है कि जैसे स्थिति और धरती की संरचना का अध्ययन, यानी कि उसका जो अध्ययन करते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं। तो इसका अध्ययन को हम लोग बोलते हैं कि जैसे भूगर्भशास्त्र बोलते हैं, यानी कि जियोलॉजी इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा।
इसके अलावा देखिए और जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है नेफ्रोलॉजी, तो नेफ्रोलॉजी में इसमें हम लोग पढ़ते हैं जैसे आपका ब्रेन का जो मसल्स होता है, ब्रेन का जितने भी नर्व सेल्स आपका होता है, तो उसका स्टडी को हम लोग बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। फिर देखिए अगला जो है पेडोलॉजी है, तो पेडोलॉजी का मतलब होता है कि मिट्टी संबंधी विद्या, यानी कि इसमें हम लोग मिट्टी के बारे में उसके बारे में जैसे स्टडी करते हैं हम लोग। फिर देखिए आपका अगला है वायरोलॉजी, तो इसमें हम लोग स्टडी करते हैं वायरस के बारे में, तो वायरस का नाम आपने सुना ही होगा कि इससे जो आपका जितने भी डिजीज होते हैं तो वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं वायरोलॉजी के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि किस तापमान पर सभी पदार्थों में शून्य थर्मल ऊर्जा होती है, यानी कि एक ऐसा तापमान जिसमें जितने भी पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है जीरो थर्मल एनर्जी हो जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, इसका -273.16 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस टेम्परेचर पे, यानी कि इससे कम टेम्परेचर आप उत्पन्न नहीं कर सकते, या फिर ऐसा मतलब कि इससे कम टेम्परेचर अब नहीं हो सकता बनाया, मतलब उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो ये जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा, इसका डी होगा। ये आप लोग याद रखिएगा, ये डिग्री सेल्सियस में है, डिग्री फॉरेनहाइट में आपको याद नहीं रखना है इसको। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि बौना रूप से पौधे को बढ़ने का जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि ये देखिए प्राचीन जो काल था आपका उसी समय ये इस तरीका का जो पेड़ को मतलब उगाया जाता था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोनसाई बोलते हैं। तो बोनसाई में देखिए ये फिगर में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जैसे कोई पेड़ होता है, तो पेड़ तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, बट इसको अगर बौने रूप में, यदि इसको बौने रूप में इसको बढ़ाना होता है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक पेड़ है, तो पेड़ एक टेबल के ऊपर ही पूरा बड़ा हुआ है, तो ये एक मतलब क्या एक प्रक्रिया है। ये प्राचीन काल में ऐसा किया जाता था कि उसमें बौने रूप को ही पौधे को बढ़ाया जाता था। तो इस तरीका का जो मतलब कि जो कला होता है पेड़ को बौने रूप में बढ़ते हुए होने का, तो इसको बोलते हैं हम लोग बोनसाई बोलते हैं। तो इसका जो आंसर वन हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट आप लोग नोट करते चलिएगा, ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो कौन सा प्रतिक्रिया नहीं करता है वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो हीलियम होगा। तो हीलियम देखिए ये आपका क्या होता है, इनर्ट गैस होता है, यानी कि ये किसी भी गैस के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो हीलियम जो आपका होता है ये, यानी कि जो आपका 18th ग्रुप है, यानी कि 18वां ग्रुप है आपका जो पीरियोडिक, यानी कि जो आवर्त सारणी आपका है पीरियोडिक टेबल, तो उसमें ये 18th ग्रुप में रहता है। और जो आपका 18वां जो ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं निष्क्रिय गैस बोलते हैं, तो उसमें हीलियम भी आता है। तो हीलियम यही जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसका जो आंसर होगा ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट करते चलिएगा जितना भी क्वेश्चन आ रहा है आपको, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि मतलब कितना जो क्वेश्चन है हम लोग जानते हैं, तो आप लोग आपको पता चल जाएगा कि तैयारी मेरी कितनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि चेचक के वैक्सीन के अग्रणी कौन है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका चेचक बीमारी होता है, तो उसके जो पाइनर यानी कि उसके कौन मतलब इसका वैक्सीन तैयार किए थे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एडवर्ड जेनर, यानी कि एडवर्ड जेनर ने ही जो आपका चेचक होता है उसका वैक्सीन तैयार किया था। इसके अलावा देखिए और जो आपका ऑप्शन है इसमें लुइस पैस्चर है, तो लुइस पैस्चर ने इन्होंने टेक्निक डेवलप की हुई थी वो पॉस्चराइजेशन का। तो पॉस्चराइजेशन में जैसे कि उसमें दूध को गर्म करके और उसको तुरंत ठंडा किया जाता है, तो उसमें क्या होता है जितने भी कीड़े होते हैं वो सब, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो सब डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। तो ये टेक्निक इन्होंने डेवलप किया था पॉस्चराइजेशन का, लुइस पैस्चर ने। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। देखिए जितना भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं आपको इसमें वीडियो के साथ साथ बताते चलूंगा, तो आप लोग नोट करते चलिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बेरी बेरी की कमी के कारण होता है, मतलब किसके कमी के कारण होता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो थायामीन होगा, यानी कि थायामीन के कमी के कारण ही बेरी बेरी होता है। और ये देखिए विटामिन बी का कैटेगरी में आता है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए इससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट आपका विटामिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो आप लोग भी यहाँ पे नोट कीजिएगा। तो जैसे पहले आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन ए, तो विटामिन ए का देखिए इससे क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जा सकते हैं यहाँ पर। तो विटामिन ए का जैसे पूछेगा कि रासायनिक नाम और इससे कमी होने वाले रोग, तो जितने भी विटामिन्स होते हैं और उसका जो रासायनिक नाम क्या होता है और उसके कमी से होने वाला रोग को क्या बोलते हैं, तो ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आप लोग भी
नोट करते चलिएगा। जैसे विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है इसको बोलते हैं हम लोग रेटिनॉल, और इससे जो कमी होने वाला रोग होता है उसको बोलते हैं हम लोग रतौंधी, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें मतलब कि जैसे जैसे किसी को डिम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। फिर अगला देखिए आपका विटामिन बी है, और विटामिन बी में देखिए इसका कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि इसका और वर्ग और इसका क्लासिफिकेशन है आगे। तो जैसे विटामिन बी वन है तो इसका जो केमिकल नेम है यानी कि रासायनिक नाम है इसका थायामीन होता है, और इससे जो कमी से जो होने वाला रोग होता है उसको बेरी बेरी बोलते हैं। तो ये सब पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहीं पे आपका सारा तैयारी हो जाएगा साइंस का, क्योंकि तो इससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो यदि आप लोग नए भी पढ़ रहे होंगे पूरे डिटेल में तो यहाँ पे आपका तैयारी हो जाएगा। फिर देखिए आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब जो और जो वर्गीकरण है इसका, तो विटामिन बी टू है, बी टू का जो रासायनिक नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग राइबोफ्लोविन बोलते हैं, और इससे जो होने वाला जो रोग होता है जैसे त्वचा का फटना, आँखों का लाल हो जाना, या फिर और भी जैसे बाल सफ़ेद होना, तो ये सब जो आपका होता है ये इसी के कारण होता है। फिर आपका देखिए विटामिन बी फाइव है, अब विटामिन बी थ्री देखिए इससे पहले है, तो इसको जो केमिकल नाम आपका है ये होता है पेंथोनोइक एसिड, यानी कि पेंथोनोइक अम्ल बोलते हैं विटामिन बी थ्री को। फिर विटामिन बी फाइव है, इसका जो केमिकल नाम होता है इसको निकोटामाइड ही बोलते हैं इसको। और अगला देखिए जो आपका विटामिन बी सिक्स है, इसका देखिए पायरोडॉक्सिन बोलते हैं इसको जो केमिकल नाम है, और इससे जो कमी होने वाला रोग होता है वो एनेमिया होता है। तो ये पॉइंट आप लोग बस याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। फिर अगला देखिए आपका है विटामिन, जो आपका देखिए इसमें जो मेन मेन विटामिन बी का बहुत सारा कॉम्प्लेक्स होता है, बट आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में एक विटामिन आपका बी वन हो गया, और एक आपका विटामिन बी थ्री हो गया, और एक पूछा जाता है इसमें बी सिक्स का केमिकल नेम, इसका होता है पायरेडॉक्सिन, और एक होता है विटामिन बी ट्वेल्व का, और इसमें देखिए कोबाल्ट होता है, इसका जो रासायनिक नाम में कोबाल्ट लगा रहता है। तो जैसे इसमें आया जाता है कि जैसे कि कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन किसको बोलाता है, तो वो होगा आपका विटामिन बी ट्वेल्व। तो इसको मतलब कि इसको रासायनिक नाम जो है इसका वो है इसका साइनोकोबेलोएमीन। तो ये इससे भी जो रोग होने वाला होता है वो आपका होता है एनीमिया। ये तो हो गया आपका जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जितने भी हो गया उसका हो गया। फिर देखिए आपका है विटामिन सी, जो ये भी इम्पोर्टेंट आपका है, और इसका जो केमिकल रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे जो बीमारी होता है मतलब कमी होने वाला जो रोग होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्कर्वी बोलते हैं। फिर देखिए अगला है विटामिन डी है, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो है कैल्सिफिरॉल, और इससे जो कमी होने वाला रोग है वो रिकेट्स होता है, और रिकेट्स जनरली ये बच्चों में ही होता है ज़्यादा अधिकतर। इसके अलावा देखिए आपका विटामिन ई है, विटामिन ई को बोलते हैं हम लोग टोकोफिरॉल, और इससे जो मतलब कि जो इससे जो कमी होता है यानी कि जो रोग होता है इससे यानी कि जनन शक्ति में कमी हो जाता है इसके कारण। फिर अगला देखिए आपका है विटामिन के है, तो विटामिन के को बोलते हैं हम लोग फाइलाक्विनिन बोलते हैं इसको, और इससे जो जो आपका भी कमी होने वाला जो रोग होता है वो जैसे कि आपका खून में जो थक्का नहीं बनता है वो इसके कमी के चलते होता है। और एक और आप लोग याद रखिएगा, जो आपका विटामिन ई है इसको बोलते हैं हम लोग ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन, क्योंकि ये मतलब कि जैसे कि ई लगा हुआ है इसमें, तो आई मतलब आँख को देख के मतलब बोलते हैं कि वो इसका ब्यूटी अच्छा है। तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ब्यूटी विटामिन किसको बोला जाता है, तो वो विटामिन ई को बोला जाता है। तो ये सारा भी एडिशनल जो आपका है यहाँ पे दिया गया, ये सब भी आप लोग नोट करते चलिएगा कि ये सब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है यहाँ पे कि इनमें से सबसे अधिक लचीला धातु कौन सा है। तो लचीला धातु देखिए, लचीला धातु मतलब किसको बोलते हैं हम लोग, कि ऐसा धातु कि जिसको हम लोग मतलब कोई भी शेप में दे सकते हैं और उसको किसी भी आकार में उसको हम लोग ढाल सकते हैं, यानी कि उससे हम लोग कितना भी लंबा जैसे कि मतलब कि तार खींच सकते हैं हम लोग। तो ऐसा जो धातु आपका है वो है सोना, यानी कि गोल्ड। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, गोल्ड हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा इसका, क्योंकि आपको मीनिंग भी पहले होना चाहिए कि लचीला का मतलब क्या होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि द थ्री डी इमेजेस, यानी कि जब थ्री डी छवियों का यानी कि जब प्रक्षेपण हम लोग 2D सतह पर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए जब भी 2D को 3D सतह पे मतलब उसको जब प्रक्षेप करते हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं हम लोग होलोग्राम बोलते हैं उसको, यानी कि ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए वाला हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग होलोग्राम बोलते हैं। यदि
आपने देखा होगा जो बुक में कहीं पे वो मतलब कि 3D स्टिकर जो रहता है छपा रहता है उस पर, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग होलोग्राम। जैसे बोला जाता है ना कि होलोग्राम देखकर ही आप बुक खरीदिएगा, तो वो वही वाला चीज़ यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि वो 3D होता है बट वो उसको बुक में हम लोग जैसे कि उसमें छाप देते हैं तो वो 2D हो जाता है उसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि रेंज ऑफ UHF बैंड, यानी कि जो UHF बैंड की रेंज क्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी जो रेंज होती है UHF का, देखिए इससे पहले भी आपका UHF का फुल फॉर्म पूछा गया था और यहाँ पर उसका रेंज पूछा गया। तो ये रेडियो मतलब कि जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है तो वो उसमें ये सब रेंज का एक सीरीज होता है, तो ये आपको याद रखना है ये सारा सीरीज जो है इसका। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका जो UHF का जो रेंज होता है ये 300 MHz से लेकर 3 GHz के बीच में होता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका और भी यहाँ पे दिया हुआ है कि जितने भी रेंज मतलब होते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी में, तो ये यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने लिस्ट इसका दे दिया है तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर आपका सारा कुछ दिया हुआ है। आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जैसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है पूछा गया था UHF का यानी कि 9th वाला अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का यहाँ पे रेंज पूछा गया था, तो इसका 300 Hz MHz से लेके 3 GHz के बीच में होता है। इसके अलावा आप लोग और भी जितना दिया हुआ है ये सब भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये सब भी हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। यानी कि जैसे पूछ देगा आपसे वहाँ पे कि VHF का आप लोग इसका जो फ्रिक्वेंसी जो रेंज होता है वो आप बताइए यहाँ पे, तो इसका क्या होता है 30 MHz से लेके 300 MHz के बीच में होता है। और इसको देखिए याद करने का एक तरीका भी होता है, पहले आप लोग स्टार्ट कीजिएगा, जैसे आपका ऊपर से स्टार्ट कीजिएगा ये होता है वेरी लो फ्रिक्वेंसी से यानी कि VLF से, फिर आपका आएगा लो फ्रिक्वेंसी, फिर आपका आएगा मीडियम फ्रिक्वेंसी, फिर आएगा हाई फ्रिक्वेंसी, फिर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, फिर अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, इसके बाद आपका आएगा सुपर हाई फ्रिक्वेंसी और लास्ट में आपका आएगा एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी। तो ये सीरीज यदि आप याद रखते हैं तो इसका रेंज याद करने में आपको आसानी होगा। तो कैसे आसानी होगा, देखिए ये शुरुआत होता है 3 KHz से लेके यानी कि 3 KHz से लेके ये 30 KHz के बीच में पहला हो गया। इसके बाद जो आपका यहाँ पे जो अगला बैंड है यानी कि LF बैंड है यानी कि लो फ्रिक्वेंसी वाला, तो ये यहीं से शुरुआत हो जाएगा। जैसे कि आपका ये 30 से आपने एंड किया था, ये शुरुआत होगा 30 से यानी कि 30 KHz से लेके 300 KHz। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बैंड शुरू होगा आपका वो 300 KHz अब इसमें आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि 300 KHz से लेके ये जाएगा आपका 3 MHz तक। फिर इसके बाद जब अगला रेंज जाएगा तो फिर से यही सीरीज फिर शुरू होगा, 3 MHz से लेके ये 30 MHz तक जाएगा, फिर 30 MHz फिर से आपका ये शुरू होगा रेंज ये। तो इसी तरीका से यदि आप क्रम में याद रखिएगा तो ये रेंज याद करना आपको ईजी होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए दो दो बार एग्जाम में, देखिए इसी मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी से ही दो दो क्वेश्चन आपको एक ही सेट में मिल गया, और ये क्वेश्चन आपका जो SI का एग्जाम हुआ था झारखंड SI का वो सब उसी में से क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आपका हो सकता है कि अगली बार ये अगला रेंज इसका पूछ दे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह के बारे में आपको बताना है। तो सबसे चमकीला जो ग्रह होता है वो आपका कौन सा होता है, तो वो शुक्र ग्रह होता है। और इसको देखिए हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के रूप में भी बोलते हैं, क्योंकि आपको मॉर्निंग और इवनिंग में जो सबसे चमकीला जो तारा आपको नजर आएगा वो तारा नहीं होता है, बेसिकली वो शुक्र ग्रह होता है जो आपको सबसे चमकीला ग्रह दिखाई देता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा यानी कि वेनस यानी कि शुक्र ग्रह हो जाएगा। फिर अगला देखिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि कीड़े के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो कीड़ा जितने भी मतलब रेंगने वाले जितने भी कीड़े होते हैं तो उसका जो अध्ययन को हम लोग स्टडी को क्या बोलते हैं, उसको इंटोमोलॉजी बोलते हैं यानी कि कीट विज्ञान। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका थर्ड वाला हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ये पहला वाला जो आपका ऑप्शन है ऑर्निथोलॉजी, हालांकि ये तो हिंदी में समझ सकते हैं कि ये पक्षी विज्ञान मतलब पक्षी से रिलेटेड आपका है, तो ये इजी होता है पहचानना हिंदी में, बट ये इंग्लिश में रहता है तो थोड़ा वो ऑर्निथोलॉजी को रिलेट करना हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसका भी मीनिंग आप लोग इंग्लिश में याद रखिएगा कि पक्षी विज्ञान को ऑर्निथोलॉजी बोला जाता है और हाइड्रोलॉजी को जल विज्ञान, तो ये सब हिंदी में थोड़ा ईजी पड़ता है, और बायोलॉजी तो जीव विज्ञान है तो जानते ही हैं आप लोग। फिर नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि किसी अन्य जीव पर जीवित रहने वाले जीव को क्या बोलते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो दूसरे पे आश्रित होते हैं अपना जीवन यापन के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे जीव को बोलते हैं हम लोग परजीवी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा।
इसके अलावा देखिए जो पहला ऑप्शन आपका है सूक्ष्मजीवी। सूक्ष्मजीवी किसको बोलते हैं हम लोग, कि ऐसे जीव जिसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, यानी कि इसको हम लोग अपने नेकेड आई से मतलब हम लोग नहीं देख सकते हैं। ये हो जाएगा पहले वाले का जो मतलब कि जो इसको बोलते हैं हम लोग। फिर देखिए जो तीसरा टर्म आपका है इसमें, यानी कि सहभोजित्व। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि देखिए ये एक टाइप का एक रिलेशनशिप होता है, यानी कि संबंध होता है दो ऑर्गेनिजम्स यानी दो जीव के बीच। तो जिसमें क्या होता है कि इसमें किसी एक जो जीव है केवल उसी को फायदा पहुंचता है दूसरे जीव से, लेकिन जो दूसरा जीव है उसको पहले वाले से कोई फायदा नहीं होता है। तो ऐसा जो रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में, तो उस टर्म को यानी कि उस जो आपका जो टर्म है उसको बोलते हैं हम लोग सहभोजित्व बोलते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर से समझ सकते हैं जो आपका दिया हुआ है इसमें। देखिए जैसे आपका मान लीजिए कि एक हिरन है और उसके ऊपर कुछ पक्षी बैठे हुए हैं। तो ये क्या करते हैं कि जैसे जो पक्षी हैं इसके शरीर पर बैठ के ये अपना उससे कुछ भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब उस पर जो कीड़े बैठे रहते हैं तो वो मतलब उससे डिपेंडेंट होते हैं ये पक्षी लोग। वो मतलब कीड़े खा के अपना जीवन यापन करते हैं, तो ये डिपेंडेंट होते हैं सिर्फ हिरन से। बट हिरन को यहाँ पे कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों के बीच में एक आपसी संबंध है कि यानी कि जो पक्षी है उसका जो रिलेशन है हिरन से, क्योंकि उससे उसको खाना मिल रहा है। बट यहाँ पे हिरन का जो पक्षी है उससे उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे टर्म को यानी कि ऐसे जो रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं हम लोग सहभोजित्व बोलते हैं। तो ये टर्म भी आपसे नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है कि पूछा जा सके आपसे। तो जब तक आपको टर्म का मीनिंग पता नहीं होगा तब तक आपको दिक्कत होगी ही होगी। तो आप लोग ये सब जी पॉइंट मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ वो सब भी आप लोग नोट कीजिए। इस क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि जैसे फिल्टर का उपयोग करके तरल से निलंबित सामग्री हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि जैसे हम लोग फिल्टर का यूज़ करते हैं और उसमें से जैसे लिक्विड से उसमें से जो भी निलंबित सामग्री होते हैं तो उसको हटाने का प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो ये होता है इसका निस्पंदन यानी कि फिल्टरेशन। तो जैसा आपने जो आपका पानी का जो फिल्टर करने का जो प्लांट होता है तो वहाँ भी आपने देखा होगा, या फिर नहीं देखे होंगे तो आप लोग प्रोसेस समझिए कि वहाँ पे जो तरल पदार्थ होता है पानी आपका हो गया, और उसमें से जो भी मतलब कि अनवांटेड जो चीज़ होगा यानी कि जो वेस्टेज होगा यानी कि जो उसमें भी जितना भी वेस्ट जनरेट होता होगा उसको हटाने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं हम लोग निस्पंदन बोलते हैं। तो ये तो था आपका सारा क्वेश्चन सेट वन में, जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिले थे मेरे को वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसके बाद जो सेट टू आएगा वो भी आपका बहुत ही जल्द आएगा। और ये सीरीज आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशंस मिलता रहे।